हेलो एंड वेलकम, आप देख रहे हैं रूबरू। मैं हूं अभिलाषा पाठक और हाजिर हूं एक बार फिर से एक नई शख्सियत के साथ। हर बार हम आपकी मुलाकात ऐसी ही शख्सियतों से करवाते हैं जिनसे आप प्रेरणा ले सकें। हम इस बार जिनसे मिलने जा रहे हैं, उन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत जद्दोजहद की, बहुत मेहनत की। उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो ठीक तरह से अपनी पढ़ाई करते, लेकिन वो कहते हैं ना कि अगर दिल में चाह हो तो रास्ते अपने आप बन जाते हैं। जी हाँ, मेडिकल फील्ड से आज के हमारे मेहमान हैं श्री विनय अग्रवाल, पुष्पांजलि क्रॉसले हॉस्पिटल के ये फाउंडर एंड चेयरमैन हैं। आइए उनसे मुलाकात करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद। जैसे मैंने शुरुआत में ही कहा कि आपने बहुत मेहनत की और जद्दोजहद की, कुछ बताइए अपने शुरुआती दिन के बारे में। मैं ये कहने में गर्व महसूस करता हूँ कि मैं निम्न वर्ग के परिवार से रहा हूँ और मेरी सारी पढ़ाई जो है वो प्राइमरी स्कूल कृष्णानगर और गवर्नमेंट बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल कृष्णानगर से रही। मैं शायद पहला विद्यार्थी रहा जो कि मेडिसिन में मेरे को एडमिशन मिला, और वो भी मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज में मिला। जब मैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में गया, क्योंकि वो देश का प्राइम इंस्टीट्यूट था, और क्योंकि 75 रुपये हॉस्टल कंपलसरी था, 75 रुपये हॉस्टल की फ़ीस थी पर महीना, एंड आई कुड नॉट अफोर्ड दैट। मैं उस समय उसे अफोर्ड नहीं कर सकता था, तो मैंने फिर मौलाना आज़ाद में डिसाइड किया। कॉलेज के जीवन में ट्यूशंस की, आपको हैरानी होगी कि पूरे मैंने MBBS की अपनी उसमें एक भी किताब नहीं खरीदी। कोई स्कॉलरशिप मिला आपको? आज भी अगर मौलाना आज़ाद में जाएंगे तो मैं मौलाना आज़ाद का बेस्ट अलमनस अवार्डी हूँ, और 1978 से 82 तक मैं दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन का सेक्रेटरी रहा। मेरे प्रेसिडेंट थे डॉक्टर कटारिया, उन्होंने भी मुझे प्रेरित किया कि मुझको जॉब में नहीं, मुझे प्रैक्टिस में आना चाहिए। तो ये सोच के मैंने कृष्णानगर में ही अपनी एक जनरल प्रैक्टिस की क्लिनिक शुरू की। पुष्पांजलि क्रॉसलीज हॉस्पिटल की नींव कैसे पड़ी? 1987 में मैंने एक छोटी सी जगह ली, और हमारे पास उसको बनाने के पैसे तो थे नहीं, तो हमने एक फ्लोर उसका बनाया और 10 बेड का नर्सिंग होम शुरू किया। वो 10 बेड का नर्सिंग होम धीरे धीरे 1990 से 1997 और 98 तक ग्रेजुएट हुआ इन 60-बेडेड सेकेंडरी केयर यूनिट। तो जो मेरा दायरा बना, जो मेरे एडवाइजर्स बने और जो मेरा फ्रेंड सर्किल था, वो मुझे एक तरीके से इंस्पिरेशन देता था कि मुझे कुछ करना है, और इसलिए मैंने फिर यहाँ पर हमने ये पुष्पांजलि क्रॉसले हॉस्पिटल का एक कंपनी बनाई। तो मेरे मन में आया कि क्यों ना एक ऐसा कॉन्सेप्ट शुरू करें जहाँ पर कुछ फिजिशियंस मिलके उस नीड को पूरा करें, उनको काम करने की जगह मिले, उनमें ओनरशिप फीलिंग आए और वो एक अपना अस्पताल अपने आप बना सके। इसके अलावा आप द कन्फेडरेशन ऑफ मेडिकल एसोसिएशन। मैं देश का दूसरा डॉक्टर हूँ जो एशिया ओशियाना का प्रेसिडेंट बना। देश का जो मेडिकल फील्ड का सबसे बड़ा कोवेटेड अवार्ड है, डॉक्टर बीसी राव अवार्ड, वो मुझे 2006 में मिला। जब आप इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट थे, आपने कई सोशल ड्राइव चलाए हेल्थ केयर में, स्पेशली रूरल एरियाज में। 400 के करीब विलेजेस हमने अडॉप्ट किए, एंड वो विलेजेस हेल्थ केयर में नहीं अडॉप्ट किए, उन विलेजेस का ओवरऑल डेवलपमेंट हुआ। जब डॉक्टर्स ने वहाँ जाना शुरू किया, इन्फ्लुएंशियल डॉक्टर थे, वो देखा कि रोड नहीं बनी हुई है तो MLA से कह के रोड बनवाई, बिल्डिंग ठीक नहीं है तो MLA फंड से बिल्डिंग बनी, गवर्नमेंट को लिखा, तो इस तरीके से उस विलेज का ओवरऑल डेवलपमेंट हुआ। पुष्पांजलि के जरिए किस तरह से आप सामाजिक कार्य कर रहे हैं? हम कैंप्स लगाते हैं सारे सोसाइटीज में, यही नहीं, हम एक फ्री डिस्पेंसरी चलाते हैं यहाँ पे, एंड जो कि चैरिटेबल डिस्पेंसरी है, हॉस्पिटल की प्रीमिसेज में ही चलती है। 4 घंटे हम वहाँ पे हमारे डॉक्टर्स रहते हैं। जितने भी टॉप नॉच हॉस्पिटल्स हैं उनके बारे में आम आदमी की ही धारणा होती है कि अगर बैंक बैलेंस है, पैसे हैं, तभी हम वहाँ जा सकते हैं, अदरवाइज गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाइए। हाउ पुष्पांजलि इज डिफरेंट? हमारी इमरजेंसी से कोई भी गरीब आदमी या अनआइडेंटिफाइड आदमी या अननोन पर्सन जो एक्सीडेंट्स वगैरह के आते हैं, कभी भी हमने वापस इसलिए नहीं किया कि उसके पास पैसे नहीं हैं। हॉस्पिटल्स चलते हैं, हॉस्पिटल की फाइनेंसिस की ज़रूरत होती है, इतने बड़े हॉस्पिटल्स के खर्चे भी बहुत होते हैं, मैं सब मानता हूँ, लेकिन एक तरफ उसका एक इमोशनल एस्पेक्ट है, एक तो जो संस्कार हमको मिले हैं उससे, कि मैं सोचता हूँ कि जितना भी मुझे अगर आप लोगों से मांगना पड़ता है या कुछ और पेशेंट से मांगना पड़ता है उन गरीब लोगों के ट्रीटमेंट के लिए, तो हम लोग वो पूरा करते हैं। जितने भी बड़े हॉस्पिटल्स होते हैं उनके उन पर हमेशा ये आरोप लगते हैं कि फीस बहुत ज़्यादा लेते हैं। या आज से 10 साल पहले जो हेल्थ केयर की कॉस्ट थी या हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ थी, वो आज नहीं है। आज हेल्थ केयर कॉस्ट क्यों बढ़ गई है? क्योंकि फैसिलिटीज़ बढ़ गई है। क्वालिटी अगर कोई हॉस्पिटल दे रहा है, दैट कॉस्ट हैज़ टू बी बॉर्न ईदर बाई एन योर एम्प्लॉयर, बाई एन ऑर्गेनाइजेशन वेयर यू आर वर्किंग, बाई ए इंश्योरेंस कंपनी विच हैज़ इंश्योर्ड यू, और बाई योर सेल्फ, एंड यू शुड नो दैट यू आर स्पेंडिंग मनी ऑन दैट। What are your future plans? By 2015 हम 3 या 4 ऐसे सेंटर्स जो सेकेंडरी केयर हॉस्पिटल्स हैं, एट ए गैप ऑफ अबाउट 100 किलोमीटर्स ईच,
हम शुरू कर सकें। एक जैसे सेंटर हमने अभी शुरू किया है पॉली क्लिनिक, बहेड़ी एक जगह है बरेली के पास, और उसमें वही पॉली क्लिनिक और प्राइमरी सेंटर लैब डेवलप की है, एक्सरे वहाँ हो रहे हैं एंड उसका फॉर्मली इनॉग्रेशन भी इसी महीने किसी समय है। पूरी जर्नी जो है डॉक्टर साहब की बहुत ही इंटरेस्टिंग है, किस तरह से ये अस्पताल बना और क्यों पुष्पांजलि क्रॉसलेज हॉस्पिटल नामी है पूरे दिल्ली एनसीआर में, आइए देखते हैं। पुष्पांजलि क्रॉसले हॉस्पिटल एक ऐसा मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल है जहां हर प्रकार की बेस्ट मेडिकल फैसिलिटीज मौजूद है। देश विदेश से यहां लोग इलाज कराने आते हैं। जहां से सारी सुविधाएं उपलब्ध हो वहां जिंदगी घुटने नहीं टेकती। पुष्पांजलि क्रॉसले अस्पताल में प्रवेश करते ही एक सुकून भरे पॉजिटिव वातावरण का एहसास होता है। ये हॉस्पिटल लोगों को घर जैसे माहौल का एहसास करवाता है। यहाँ का स्टाफ मरीजों की सहायता करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं। पुष्पांजलि हॉस्पिटल दिल्ली और एनसीआर में नंबर 1 पर है। यहाँ विजिटर्स और फैमिली मेंबर्स की सभी जरूरतों का पूरा ख्याल रखा जाता है। मरीजों की छोटी से छोटी जरूरतों को भी बड़े ही बारीकी के साथ पूरा किया जाता है। पुष्पांजलि हॉस्पिटल में मरीजों के लिए अपना खुद का बेहतरीन डायग्नोस्टिक सेंटर है और हर बड़ी से छोटी बीमारी को स्टडी करने के बाद बड़े ही सिस्टमैटिक तरीके से इलाज किया जाता है और इलाज के बाद रिहैबिलिटेशन का भी सारा इंतजाम है। क्रिटिकल पेशेंट के लिए पर्सनल विशेषज्ञ नियुक्त किए जाते हैं। पेशेंट की सभी शिकायतों की सुनवाई हेल्थ केयर मैनेजमेंट के अंतर्गत होती है। ये हॉस्पिटल बिना रुके रात दिन मरीजों की सेवा में तत्पर रहता है। मरीजों के लिए खास तौर पर पेशेंट रिलेशन ऑफिसर नियुक्त किए जाते हैं जो कि मरीजों और उनकी फैमिली को एक सुखद और आरामदायक अनुभव का आभास कराते हैं। ये ऑफिसर पेशेंट के हॉस्पिटल में भर्ती होने से लेकर उनके डिस्चार्ज होने तक उनकी देखभाल करता है। पेशेंट के खाने पीने से लेकर दवा और दूसरी मेडिकल सुविधाओं को मुहैया करवाना इन ऑफिसर्स की जिम्मेदारी होती है। पुष्पांजलि क्रॉसले हॉस्पिटल की मजबूत नीतियों और उनके काम करने के बेहतरीन तरीकों ने इसे वेब आधारित इंफॉर्मेशन सिस्टम का बेजोड़ जरिया बना दिया है। ये इंस्टीट्यूट कोऑपरेटिव कॉर्पोरेट के आदेश को प्रेजेंट करता है जहां 100 से भी ज्यादा फिजिशियन अपनी सेवा प्रदान करते हैं। पुष्पांजलि हॉस्पिटल का विजन और मिशन है बेस्ट हेल्थ केयर सिस्टम के जरिए मरीज और डॉक्टर के रिश्ते को और मजबूत करें और विश्वास को बढ़ाएं। पुष्पांजलि हॉस्पिटल अलग अलग तरीके से मरीजों की सेवा करता है, जैसे बुजुर्गों के लिए घर घर दवाइयां पहुंचाने से लेकर निम्न वर्ग के लोगों के लिए फ्री डिस्पेंसरी भी चलाई जाती है। 70-80 के दशक में ईस्ट दिल्ली और एनसीआर में कोई भी बड़ा मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल न होने की वजह से क्रिटिकल पेशेंट को यमुना पार अस्पतालों में लेकर जाया जाता था, जिनमें से सबको नहीं बचाया जा सकता था। यही सोच थी कि किसी को भी यमुना पार ना जाना पड़े और सभी तरह का इलाज ईस्ट दिल्ली में हो जाए। बस यही से पड़ गई थी पुष्पांजलि क्रॉसले हॉस्पिटल की नींव, जो आज एक मेडिकल की दुनिया में बुलंद इमारत के रूप में मजबूती के साथ कई दशकों तक खड़ा रहेगा और हर समाज के हर वर्ग की सेवा करता रहेगा। इस अस्पताल में देश से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी पेशेंट इलाज करवाने आते हैं, जिनकी सुविधा के लिए इंटरप्रेटर से लेकर पेशेंट के परिवार के रहने और खाने पीने का पूरा इंतजाम किया जाता है। दिल्ली एनसीआर में मेडिकल सर्विसेज में झंडे गाड़ने के बाद अब ये रायबरेली के पास बहेड़ी में भी अपना सेकेंडरी सेंटर खोलने वाले हैं। पुष्पांजलि हॉस्पिटल का ये मिशन है कि वो मरीजों की देखभाल नई तकनीकी और सहानुभूति के साथ करे। मेडिकल सर्विसेज सस्ती हो लेकिन गुणवत्ता में कोई समझौता ना किया जाए, मरीजों को सम्मान दिया जाए और हेल्थ केयर टीम उनके लिए रोगों से लड़ने के लिए एक प्रोत्साहक का काम करे। मरीजों की सुरक्षा पुष्पांजलि क्रॉसले हॉस्पिटल की पहली जिम्मेदारी है। जो भी करें वो पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ करें, यही पुष्पांजलि क्रॉसले का उद्देश्य है।
पुष्पांजलि क्रॉसली हॉस्पिटल स्वास्थ्य की राह पर अपने मरीजों से एक साथी की तरह साथ निभाने का वादा करता है। यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए रूबरू। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं रूबरू और आज के हमारे खास मेहमान हैं पुष्पांजलि क्रॉसली हॉस्पिटल के फाउंडर एंड चेयरमैन मिस्टर विनय अग्रवाल। सर अभी हम कहाँ पर देखिए, अभी आप इस समय हमारी जो रेडिएशन ऑन्कोलॉजी विंग है उसमें है, और इस विंग में हमारे पास दो मशीनें हैं जो कि एक लीनियर एक्सेलेटर्स कहलाते हैं। हम देश का पहला लीनियर एक्सेलेटर 2008 में हमने सीटी गाइडेड लीनियर एक्सेलेटर इस हॉस्पिटल में इंस्टॉल किया था। अब तो खैर बहुत जगह पे ये लीनियर एक्सेलेटर है, हम अपनी क्वालिटी के लिए जाने जाते हैं, और ये लीनियर एक्सेलेटर सीटी गाइडेड होते हैं और ये सीटी के द्वारा हम उसी एरिए को रेडिएशंस देते हैं। एंड आपको ये जानकर बहुत अच्छा लगेगा कि जो सक्सेस रेट पहले आज से 10 साल 12 साल पहले 20-25% होता था हर तरीके के ट्यूमर्स में, आजकल इन मशीनों के द्वारा और हमारे टेक्नोलॉजिस्ट के द्वारा, जो हमारे रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट हैं या हमारे जो चीफ हैं, उन लोगों की मेहनत के द्वारा ये 50-60% तक हो गया। और अब आने वाले समय में मुझे पूरा विश्वास है कि ये परसेंटेज 60-75 और 75-80% तक भी जाएगी। एंड आज के दिन हम हर प्रकार की हर स्टेजेस के कैंसर का इलाज करते हैं, और ये एक बहुत ही लेटेस्ट इक्विपमेंट्स है, लेटेस्ट तरीका है इन सब का इलाज करने का। और आप देखिए, आई चल डॉक्टर डे हमारे ऑन्कोलॉजी के चीफ है, ही इज़ ए चेयरमैन ऑफ आर ऑन्कोलॉजी ग्रुप। ये बेसिकली दिस इज़ आर डिपार्टमेंट ऑफ रेडियोलॉजी और रेडियोलॉजी ऑन्कोलॉजी, एंड ये रेडिएशन थेरेपी के डिपार्टमेंट में हम जा रहे हैं जिसे हम रेडिएशन ऑन्कोलॉजी कहते हैं। एंड इसमें हमारे पास जो मशीनें हैं वो लेटेस्ट मशीनें हैं। ये इसका कंट्रोल रूम है, आप देखें, ये दोनों मशीनों के पेशेंट्स हैं जिनको यहाँ से कंट्रोल कर रहे हैं हम। एंड ये सीटी गाइडेड, इसमें हम रेडियोथेरेपी देते हैं, एंड उतने ही एरिए में रेडिएशन जाती है जितने में ट्यूमर है, कैंसर है उसमें, तो ये बहुत इफ़ेक्टिव है, लेटेस्ट मशीन्स हैं ये। एंड आप नॉर्मल टिश्यू को नुकसान नहीं पहुंचाते, उसमें किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होता है, और वो सारा आप कर रहे हैं। मैं ठीक कह रहा हूँ सर, कैंसर काफ़ी एडवांस ट्रीटमेंट्स आ गए हैं, क्या कुछ है आपके हॉस्पिटल की स्पेशलिटी? मैंने बताया ना, हमारे पास देखिए चार विंग्स हैं इसके। एक तो सर्जिकल ऑन्कोलॉजी कहलाता है, जिसमें कि हर तरीके की कैंसर की हम सर्जरी करते हैं। दूसरा मेडिकल ऑन्कोलॉजी कहलाता है। सर्जिकल ऑन्कोलॉजी के भी दो हिस्से हैं, एक जनरल सर्जिकल ऑन्कोलॉजी है, एक गाइनी ऑन्कोलॉजी है, जिसमें कि लेडीज़ केसेस में जो कैंसर वगैरह है उसका एक हमारा अलग विभाग है। और ये दोनों में जिस प्रकार की भी सर्जिकल इंटरवेंशन की ज़रूरत पड़ती है उसको हम देते हैं। इसके बाद मेडिकल ऑन्कोलॉजी है, मेडिकल ऑन्कोलॉजी में कीमोथेरेपी देते हैं, जिसमें डिफरेंट ड्रग्स से हम ट्यूमर सेल्स को मारते हैं, और वो कीमोथेरेपी जो है उसके लिए भी बहुत अच्छा हमारा डेवलप डिपार्टमेंट है। इंटरनेशनली आप कहाँ देखते हैं इंडियन ट्रीटमेंट को या इंडियन हॉस्पिटल्स को? हाउ कैपेबल वी आर? हम इंटरनेशनली एट पार है, ऑलमोस्ट एट पार है आज के दिन। नॉमिनीज हम लोग इवन यूरोपियन कंट्रीज से भी हमारा पास पेशेंट आते हैं, आ रहे हैं ट्रीटमेंट करवाने। आपकी पुष्पांजलि में अगर मरीज आ रहे हैं तो ट्रीटमेंट बहुत जगह अवेलेबल है, लेकिन व्हाट्स द अट्रैक्शन पॉइंट ऑफ पुष्पांजलि, व्हाई पुष्पांजलि? व्हाट हैपेंस द पेशेंट आर थिंकिंग इज ऑन द बेस्ट ऑफ द ए, उनको बता दिया जाता है कि दिस इज द गाइडलाइन। व्हाट आई एम टेलिंग इज, आप देख लो कि इसमें लिखा हुआ है, उनको पास जो बैठे हुए हैं उसमें मॉनिटर में दिखा देते हैं हम। सो एग्जैक्टली दैट इज एन ओपन केस कि भाई आप लोग ये देख के हम लोग ये आपको ऑप्शन दे रहे हैं। दिस इज बेसिकली ए लीनियर एक्सेलेटर, हिल नहीं सकते, एंड देन देयर आर मार्कर्स पुट ओवर देयर, सो इन रेफरेंस टू दोज मार्कर्स द बीम इज एग्जैक्टली गाइडेड टू द पेशेंट्स, सो देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ मेकिंग एनी एरर। बहुत अच्छी चीज है यहाँ पे, म्यूजिक इज ऑलवेज ऑन, म्यूजिक कीप द पेशेंट इन अ लाइट मोड, पेशेंट का बड़े आराम से विदाउट एनी एंग्जायटी और अदर्स पेशेंट कैन गेट द ट्रीटमेंट। एंड लाइक दिस वे फॉर पेशेंट पोजीशनिंग, दिस इज द वन ऑफ द, दिस इज द बेस्ट लेजर, दिस ग्रीन लेजर, सो वी आर यूजिंग द सेल। जब हम लोगों ने
इक्विपमेंट और ये लिया था, बहुत वी नेवर कॉम्प्रोमाइज ऑन दोस। सर मैं देख सकती हूँ बहुत ही एडवांस ट्रीटमेंट आपने रखा हुआ है, एंड आई एम श्योर कि जो पेशेंट्स यहाँ आते हैं वो सेटिस्फाइड होकर जाते होंगे। व्हाट अबाउट द हॉस्पिटैलिटी, कितनी खुशी उनको यहाँ से ट्रीटमेंट लेने के बाद में? देखिए हॉस्पिटैलिटी अब एक बहुत बड़ा एंगल ऐड हो गया है हॉस्पिटल्स के साथ, ट्रीटमेंट एंड हॉस्पिटैलिटी। एंड मैं इस बात में पूरा विश्वास करता हूँ कि अगर पेशेंट कंफर्टेबल आप बना सकते हो उसे, और तो वो आपको भी स्ट्रेस नहीं देता, और स्ट्रेस फ्री आप होकर और पेशेंट भी अगर स्ट्रेस फ्री है तो यू आर डेफिनेटली ट्रीटिंग हिम बेटर। तो हमारा एम यहाँ यही रहता है हॉस्पिटैलिटी में, चाहे हमारी पर्सनल कम्युनिकेशंस है, आप देख ही रहे हैं उनको फ्रेंडली अप्रोच से डील करना है, इवन म्यूजिक है, इवन अदरवाइज देर आर ऑलवेज अटेंडेंट्स विद हिम, उनके साथ उनके अटेंडेंट्स जो बाहर आते हैं उनके बैठने का अलग इंतजाम है, वी टेक स्पेशल केयर ऑन देयर फूड एंड अदर थिंग्स जो उनको प्रोवाइड करना चाहिए, तो वी डू टेक केयर ऑफ ऑल ऑल दोस। डॉक्टर लास्टली मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि इतने बड़े सेटअप में और इतने इक्विपमेंट्स और रेडिएशन, क्या क्या सेफ्टी मेजर्स आपने हॉस्पिटल में लिए हैं, क्या स्पेशल कंस्ट्रक्शन में ध्यान? देखिए कंस्ट्रक्शन में आप देखेंगे ये बड़े इसके प्रोटोकॉल्स हैं, बेसिकली सो मच थिक वॉल्स आर देयर, मोर देन 1 मीटर थिक वॉल इज देयर जिससे कि रेडिएशन बाहर ना जाए, और पेशेंट सेफ्टी पे भी हमने बहुत ध्यान दिया है, स्टाफ की सेफ्टी पे भी बहुत ध्यान दिया है, इनके सब मीटर्स हैं विच कीप टेलिंग कि रेडिएशन की जो है अगर इनका रेडिएशन किसी स्पेसिफिक स्तर से बढ़ता है सो दे गो ऑन लीव एंड देन दे कम अगेन। ये आप देख रहे हैं ये हर पेशेंट का एक अलग अलग वो है जिससे पेशेंट नहीं हिले, और ये पेशेंट सेफ्टी के लिए स्पेसिफिक हमने मेजर्स है, एंड ऑल दिस थिंग्स व्हाट यू आर सीइंग ऑल द मीन्स टू फॉर सेफ्टी ऑफ द पेशेंट एंड सेफ्टी ऑफ हेल्थ। सिर्फ कैंसर डिपार्टमेंट देख के मैं अंदाज़ा लगा सकती हूँ कि पूरे अस्पताल में आप किस तरह के ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं, हॉस्पिटैलिटी प्रोवाइड करते हैं, इट्स रियली वेरी वेरी इंप्रेसिव एंड वर्थ फॉर मी। इसी बात के साथ हम यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन ब्रेक के बाद हम अग्रवाल परिवार से मिलेंगे, और इनकी फैमिली में भी सभी ने डॉक्टर पेशे को ही अपनाया है, जाने इस बारे में, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं रूबरू, और हमारे आज के खास मेहमान हैं पुष्पांजलि क्रॉसले हॉस्पिटल के फाउंडर एंड चेयरमैन मिस्टर विनय अग्रवाल। हम पहुंच चुके हैं उनके घर पे, आइए मिलते हैं। अग्रवाल परिवार के साथ हम बैठे हैं उनके ड्राइंग रूम में हैं, और उनकी पत्नी सुदेश अग्रवाल जी हमारे साथ में है, और बहुत खुशी की बात है उनके पिताजी MM अग्रवाल भी साथ में हैं, और सुपुत्र डॉक्टर गौरव अग्रवाल भी साथ में हैं। और खासियत आपके परिवार की यही है कि लगभग सभी मेडिकल फील्ड में ही हैं, सभी डॉक्टर्स हैं, सभी लोग डॉक्टर हैं जी। बेटे ने भी डॉक्टर प्रोफेशन, देश ने MBBS किया, ये SI में चीफ मेडिकल अफसर रही, हॉस्पिटल की इंचार्ज रही, अभी लास्ट ईयर ओनली शी हैज रिटायर्ड फ्रॉम दैट। पापा जी और मेरी माता जी जो अब नहीं है, दोनों होम्योपैथिक के डॉक्टर्स हैं। गौरव ने MD मेडिसिन किया, और उसके बाद इसने MBA किया है दिल्ली यूनिवर्सिटी से, और MBA करने के बाद वो मेरे साथ एडमिनिस्ट्रेशन में पूरा हाथ बटाता है। गरिमा मेरी जो बेटी है, उसने MD मेडिसिन करने के बाद वो किडनी डिजीजेज में DM नेफ्रोलॉजी कर रही है। आपसे भी ये जानना चाहूँगी कि सर कैसे थे बचपन में, पढ़ाई में क्या डांट पड़ती थी इनको, या हमेशा से ही सिंसियर स्टूडेंट रहे? डांट तो कभी भी हमने किसी को नहीं दी, नहीं किसी बच्चे को नहीं डांटा कभी।